अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा इमरान फूड रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन चपली कबाब। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल है ये तकरीबन 1 से 1.25 किलो के बीच है केजी मैंने चिकन का कीमा लिया है, ये जाएगा इसमें। इसमें ग्रीन अनियन, रेड अनियन और ग्रीन अनियन का वाइट वाला पार्ट, ये जाएगा इसमें। धनिया ये ज़्यादा जाएगा इसमें। पुदीना, हरी मिर्चें ये भी जाएंगी इसमें। इसके अलावा एक अंडा, अगर आप चाहें तो अंडे को नमक वाला अंडा बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही डालूंगी। ये जब हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे उसके ऊपर लगाने के लिए टमाटर ये काट लिए मैंने स्लाइसेस की शक्ल में। इसके मसालों में जाएंगे 2 टेबलस्पून, इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, वाइट ज़ीरा। 2 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। 1/2 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं काली मिर्च। 1 टेबलस्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैं भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया ये डालूँगी इसमें। इसके अलावा ये मकई का आटा जाएगा इसमें, ये 1/2 कप लिया है मैंने। ये मोटा मोटा, मतलब समझ लीजिए हाथ के साथ थोड़ा सा मैं मोटा मोटा इसको पीसती रहूँगी, ये डालूँगी। साबुत धनिया ये जाएगा इसमें। इसके अलावा कॉर्नफ्लावर, ये 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, ये जाएगा इसमें। सबसे पहले हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे, सारे मसाले डाल लें। ये साबुत धनिया हाथ के साथ में हल्का सा तो मैं ऐसा करके डालूँगी। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है चपली कबाब का। मकई का आटा डाल दें, अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप वीट फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। ये मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, ये इसके सब बाइंडिंग एजेंट्स हैं। पहले इन सब मसालों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे हाथ से। अंडा डालूंगी मैं, अभी से डालूंगी अंडा, अगर आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। जो प्याज और मतलब ग्रीन जितने भी मसाले हैं या इंग्रेडिएंट्स कह लें आप, ये सब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे की मैरिनेशन के लिए रखूंगी, उसके बाद फिर वो डालूंगी। क्योंकि अनियन, धनिया, पुदीना नाना भी इन चीज़ों में जो है वो पानी होता है। तकरीबन आधा घंटा हो गया हमारे कीमे को मैरिनेट हुए हुए। अब आप इसमें बाकी मसाले डाल लें, हरी मिर्ची, पुदीना, आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे मतलब जो मैंने हरी मिर्ची ली है उसमें काफ़ी निकल आई है तो मुझे इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। 3 तरह का अनियन जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने ज़ायके के मुताबिक। मैंने 1 किलो कीमे के हिसाब से चीज़ें डाली हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए मैं इसको दोबारा से मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से मसाला ठहर जाए इसमें, उसके बाद हम इसके कबाब बनाते हैं। कीमा हमारा ठहर गया,
अब आप इसके कबाब बनाना शुरू करें। चपली कबाब जो होते हैं वो आम कबाब से काफ़ी बड़े शक्ल में होते हैं, मतलब साइज़ में होते हैं। मैं दरमियाने बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बना रही। आमतौर से इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, ओवल भी होते हैं मतलब गोल भी होते हैं, मिक्स ही होते हैं। मुझे थोड़े पानी की ज़रूरत महसूस हो रही है, मैं पानी लेती हूँ। आप चाहें तो इसको तवे पे तैयार करें, चाहे तो मतलब पैन में कर लें, चाहे तो डीप फ्राई कर लें, ये टूटेंगे नहीं। मैं शैलो फ्राई करूँगी तवे के ऊपर। मुझे भी जितने तैयार करने हैं उनके हिसाब से मैंने बना लिए। कबाब हमारे सारे तैयार हो गए हैं जितने मैं फ्राई करना चाहती हूँ। आई एम इसको फ्राई करती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो गया, आप चाहें तो बीफ के भी बना सकते हैं, चाहे तो मटर के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज चिकन की चपली कबाब बना रही हूँ। इसको पलटने से पहले थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि ये अच्छी तरह गर्म हो जाए टमाटर में। तो हल्की आप कोई बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ऑलमोस्ट ये डन हो चुकी है। मैं सारी चपली को आप तल कर इन्हें डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
और ये है मेरी आज की रेसिपी चिकन चपली कबाब का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा इमरान फूड रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी फौरी आप तक पहुँचे। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।